नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल का आज फरीदाबाद का दौरा है। अमृता अस्पताल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 24 अगस्त को अस्पताल का उद्घाटन होगा। दरअसल पीएम मोदी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 133 एकड़ में ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है और उससे पहले आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस अस्पताल का दौरा करेंगे और जो भी इसके निर्माण संबंधी कार्य बचे हैं, जो भी शेष है, उसका निरीक्षण करके इसको लेकर के निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। तो अमृता अस्पताल का 24 अगस्त को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां फरीदाबाद में जाकर इस अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं। तो करीब 133 एकड़ में अमृता अस्पताल का निर्माण हुआ है और 24 अगस्त को इस अस्पताल का उद्घाटन होगा। मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। मुकेश पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खासतौर पर जो है अमृता भाई जो हॉस्पिटल है उसका यहाँ पर जो है 24 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं मोदी जी, और उसको लेकर के जो है आज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और साफ तौर पर इससे पहले भी जो है तमाम जो विधायक है वो अमृतामय हॉस्पिटल का जो है पहले ही दौरा कर चुके हैं और आज शाम को लगभग 7 बजे जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरा करने के लिए पहुंचेंगे और साफ तौर पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, क्योंकि जब 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे तो किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इस बात को लेकर के आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा रहने वाला है। जी बिल्कुल, जो इसकी विशेषताएं हैं इस अस्पताल की उसके बारे में भी आप जानकारी दें मुकेश, किस तरीके से ये खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे 24 को। देखिए बिल्कुल अरुण, बहुत कुछ खास रहने वाला है। फरीदाबाद वासियों को खासतौर पर इस अमृतामय हॉस्पिटल का काफी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है वो अत्याधुनिक तकनीकियों से तैयार हुआ है। लगभग 133 एकड़ में जो है ये अस्पताल है जिसमें एक तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनका भी इलाज मुफ्त कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि कम खर्चे पर अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ पर बेहतर इलाज जो है वो मिलने वाला, और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक तरीके से सामक बनकर के अस्पताल पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से इलाज इसमें मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल पहले भी कई बार जो विधायक इसमें दौरा करके जा चुके हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पतालों ने जो लूट बचा रखी थी वो अमृतामय हॉस्पिटल के खुलने से अब उनकी जो दुकान है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इस अस्पताल के अंदर तमाम तरीके के जो उपचार है वो कहीं ना कहीं कम इलाज में कम खर्चे में जो है वो यहाँ पर होंगे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी तकनीकियों से लैस ये जो है अस्पताल रहने वाला है, और इसी बात को लेकर के क्योंकि ये ट्रस्ट के माध्यम से इस अस्पताल खोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए तो तमाम एक एक करके जो तमाम मंत्री है या विधायक है वो कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं। 24 अगस्त से पहले ही तमाम जो विधायक मंत्री हैं उनके दौरे हो चुके हैं और आज जो है शाम को 7 बजे जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे पर रहेंगे और सभी व्यवस्थाओं का खुद जो है वो जायजा लेंगे, ताकि 24 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस अमृतामय हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे किसी प्रकार की चूक ना हो, इस व्यवस्था को देखने के लिए वो स्वयं पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमृत अस्पताल का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं 24 तारीख को और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए जाए।